हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ असूस के एक नया स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है दोस्तों। इसका नाम असूस रोग फोन 3 है। इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप काफी अच्छा दिया गया है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की तरफ से जो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है वो भी इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो असूस रोग फोन 3 स्मार्टफोन है, ये ट्रूली एक गेमिंग स्मार्टफोन है दोस्तों, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है और गेमिंग भी इस स्मार्टफोन में आप काफ़ी ही अच्छे तरीके से खेल पाओगे। असूस रोग फोन 3 स्मार्टफोन जो दोस्तों, ये ब्लैक शार्क 3 प्रो को भी टक्कर दे सकता है दोस्तों। क्या आप कंपैरिजन चाहते हैं असूस रोग फोन 3 के साथ ब्लैक शार्क 3 प्रो का, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ असूस रोग फोन 3 के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं असूस रोग फोन 3 के डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED वाला डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही दिया गया। असूस रोग फोन 3 में आपको पंच होल नॉच या फिर वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिजाइन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेगुलर नॉच वाला डिजाइन ही देखने को मिलने वाला है, जो कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट लगता है दोस्तों, क्योंकि अभी सभी फोन में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच या फिर आपको पंच होल नॉच डिजाइन देखने को मिल रहा है, बट असूस के रोग फोन 3 में आपको रेगुलर नॉच देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं असूस रोग फोन 3 के कैमरा के बारे में दोस्तों। तो रियर साइड से आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का है। साथ ही यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं असूस रोग फोन 3 के हार्डवेयर के बारे में दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसका एंटूतु स्कोर जो है वो 6,43,000 निकल के आता है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर 3 GHz का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एंड जो GPU वो आपको एडेनो का 650 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही असूस रोग फोन 3 में आपको एंड्रॉइड 10 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो असूस रोग फोन 3 में आपको 8GB रैम वेरिएंट, 12GB रैम वेरिएंट एंड 16GB का रैम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB, 256GB एंड 512GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं असूस रोग फोन 3 के बैटरी के बारे में दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है, जहाँ पे आप काफी ज्यादा इस स्मार्टफोन में गेम खेलोगे। तो इस स्मार्टफोन में आपको 5800mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप है दोस्तों। साथ ही इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं असूस रोग फोन 3 के प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है 8GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, वो आपको 42,999 पड़ेगा। अब बात करते हैं असूस रोग फोन 3 के लॉन्च डेट के बारे में दोस्तों। तो फिलहाल अभी इसका लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट लीक के तहत ये पता चला है दोस्तों कि असूस रोग फोन 3 जो है ये 12 जुलाई को लॉन्च हो सकता है। तो ये कुछ बातें थे असूस रोग फोन 3 से रिलेटेड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।